साफ हफ्ते रमजान गुजर चुका है और अपनी रहमतों के साथ और उससे ज्यादा गहमा गहमी जो है वो सही रफ्तार में हो चुकी है। सॉरी अबाउट माई फेस, मैं बहुत गर्मी है किचन में और तबीयत भी फ्लू हो रहा है। तो देखें जी, बिरयानी अपने आखिरी लम्हात में है और दम लगने के लिए बिल्कुल तैयार है, दम बदम होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में क्लब सैंडविचेस बनाए हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्राइज बना दिए हैं। सॉरी अबाउट द मेसी किचन राइट नाउ। और अभी मैं आपको बताती हूँ रेसिपी मार्गरीटा की, ठीक है। जब आज थोड़ा सा लेट हो गए जी, बिरयानी को दम लग रहा है और मैं अवॉइड करती हूँ कि फूड कलर का इस्तेमाल ना हो, और आज भी मैंने फूड कलर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो है वो टोमेटोज़ और जितने भी हमारे पास ग्रीन स्पाइसेस होते हैं, फ्रेश स्पाइसेस होते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। कोई शान मसाला को बिरयानी मसाले का इस्तेमाल नहीं है इसमें। आप भी कोशिश करें कि इन स्पाइसेस का, ये जो मसाले जो पैकेट्स में मिल रहे हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सोडियम इस्तेमाल होता है जो कि हमारे यूरिक एसिड में प्रॉब्लम करता है और बीमारियां फैला रहा है। सो मैंने यहाँ पे घर के स्पाइसेस यूज़ किए हैं और ये देखें, ये भी घर का ही पुदीना है। दम लगाते हुए अक्सर लोग धनिया का इस्तेमाल करते हैं, धनिया के मुकाबले में अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करें ना तो बहुत ही अच्छी एरोमेटिक बिरयानी बनेगी। और उसके लिए आपको जो हम केवड़ा का इस्तेमाल करते थे, रू केवड़ा का, वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही एरोमेटिक सा इसका फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पुदीना इस्तेमाल किया करें दम के दौरान। और ये जितना भी एंड में मसाला था वो सब मैंने फिर इसमें लास्ट लेयर में डाला, ताकि नीचे तक तमाम चावलों में ये ऑयल जो है वो ऐड हो जाए और ड्राई राइस ना लगे। अफ्तारी में कोशिश करें कि ज़्यादा स्पाइसेस वाले खाने ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अच्छा फील नहीं होता, स्टोमिक परेशान हो जाता है। तो हल्के स्पाइसेस ही रखें, ताकि रोज़ेदारों ने जो सारा दिन खाना नहीं खाया, तो इस तरह से स्पाइसेस अगर उनको खिलाए जाएंगे तो उनको अच्छा फील नहीं होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने दही जो था वो सारा दही बड़ों में इस्तेमाल कर लिया था, वरना लास्ट लेयर, बिल्कुल जो लास्ट लेयर होती है उसमें मैं दही यूज़ करती हूँ बिल्कुल अच्छे से फेंट के, तो उसकी पूरी लेयर लगाती हूँ। तो आप भी इसको इस्तेमाल करके देखें, और जब हम दम खोलते हैं तो वो दही बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर होता है उसका। मैंने जो लास्ट मेरे ख्याल है आपके साथ शेयर की थी बिरयानी की वीडियो, आई थिंक इट वाज कीमा बिरयानी, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरह से लास्ट लेयर में दही का इस्तेमाल किया था। सो यहाँ पे मैंने लेमन यूज़ किया है, अगेन नो केमिकल, नो जैसे कि लोग आमतौर पर सिरका इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो नहीं किया। इस टाइम फरहाल बहनों को ड्रॉप करने जा रहे हैं, इसका जो है अफ्तारी का गैदरिंग है फ्रेंड्स के साथ, और बड़े दिनों की जो है गैदरिंग जो पोस्टपोन जा रही थी, और आज जो है लोगों को मौका मिला है। वन डिश भी लेके जा रही हैं, तो मैंने इनको वन वाइट बर्गर्स बना के दिए हैं। तबीयत आज पता नहीं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नासाज है, लेकिन उसमें भी मेन्यू में अफ्तारी में मेरे घर पर अभी मैंने कढ़ाई बनाई है, उसके साथ फ्राइड राइस बनाया है। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो होता है, आप भी ट्राई करिएगा फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ, या वैसे ही वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ कड़ाही खाएं, टू गुड। और साथ हैं जी समोसास, होममेड, एवरीथिंग इज़ होममेड, ओके माइंड इट। और क्रीम की आज होगी, क्रीम में बनाई हुई फ्रूट चाट है, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो पहले मैंने जल्दी जल्दी काम किया है कि ताकि फिलहाल मैं उनको ड्रॉप करूं, और तबीयत में जो है वो ये हुआ कि मेरी जो है टीथ प्रॉब्लम है और इसको मैं इग्नोर कर रही थी, और आज ज़बरदस्त किस्म का उसमें मुझे दर्द हुआ है, जिसने पूरा जो है ना पूरा सिस्टम हिला के रख दिया, पूरा बॉडी का सिस्टम हिला के रख दिया। इस वक्त हम आसिफ मार्केट से गुजर रहे हैं, आसिफ मार्केट से कहाँ पे है फ्रेंड का घर, अस्करी फाइव में है, जो कि चेक पोस्ट 5 के पास है, और इनकी गैदरिंग्स वहीं होती रहती हैं। फ़िलहाल इज़ अ डिमांडिंग गर्ल, दूसरे बच्चे जो है इस कदर डिमांड्स नहीं करते किसी भी चीज़ की, कपड़ों की या फ्रेंड्स गैदरिंग की या मोबाइल की, और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है।
लेकिन सुननी पड़ती है इस लिहाज से, कभी ज़्यादा नहीं सुनती अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सुननी पड़ती है इस लिहाज से कि मुझे अच्छे मार्क्स ला के देती है और मुझे यही चाहिए। शुरू से ही जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रही कि कहीं पे आना जाना नहीं है, किसी के घर में कोई गैदरिंग है तो नहीं आना जाना। बट नाउ शी इज़ इन सेकेंड ईयर, तो थोड़ा सा मैंने जो है स्पेस दिया है, ज़्यादा नहीं दिया अभी भी। अभी भी आई एम अ मॉन्स्टर मदर। चले जी, बोर्ड से आंसर 5 और जी ड्रॉप करके आए, तो फिर हमने अपनी अफ्तारी की और ये हमारी आज की है अफ्तारी। साथ में आपने देखा मैंने कि मैंने खाने में बिरयानी बनाई है। अब अगले 6 महीने तक कहीं नहीं जाना ना। क्यों, पेपर्स के बाद नहीं जाऊंगी? वो किधर जाना है? तो ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगी, तो मैं भी जाऊंगी, तो सब चलेंगे। हाँ सब चलेंगे।